हेलो एवरीवन, दोस्तों कैसे हैं आप सब। एक दफ़ा फिर आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल के अंदर जिसका नाम है पाकिस्तानी हिंदू। तो दोस्तों, आज की जो हमारी एक्टिविटी है वो बहुत ही ज़्यादा खास है, क्योंकि आज जो है वो अष्टमी है। आपको सबको पता होगा कि चैती नवरात्रि के दिन चल रहे हैं, तो ये आज जो है माता की अष्टमी है। और इस खास अष्टमी के मौके पर हम जो एक्टिविटी करने जा रहे हैं वो ये है कि हम जा रहे हैं कराची के एक ऐसे मंदिर के अंदर जो शायद आपने इससे पहले देखा तो होगा, लेकिन वहाँ किसी इवेंट्स को आप लोगों ने नहीं देखा होगा। तो आज हम खास तौर पे कुछ इवेंट्स को जो वहाँ कवर करने के लिए जा रहे हैं। तो दोस्तों, साथ साथ मैं आप सभी को अपनी तरफ से रमज़ान की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ और चैती नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। और मुझे यकीन है कि आज जो एक्टिविटी आपको मैं दिखाने जा रहा हूँ वो इससे पहले आपने नहीं देखी। तो चलिए चलते हैं। आज हम जो है ना ली मार्केट जा रहे हैं। ली मार्केट, जैसे कि आप सबको पता है, कराची के अंदर एक बहुत ही बड़ी मार्केट है और बहुत पुरानी मार्केट है। उसके इर्द गिर्द का एरिया है भीमपुरा। भीम आपने पांडवों में से पांच पांडवों में से एक पांडव का नाम था भीम, तो उसके नाम पे इस एरिया का नाम है। तो आज आपको इस एरिया को एक्सप्लोर करेंगे, जाके आपको मंदिर में होने वाली एक्टिविटी भी दिखाएंगे। वहाँ माता का भंडारा है और नवरात्रे चल रहे हैं, चैती नवरात्रे, तो आज उसकी आठम है। तो अभी हम चलेंगे भीमपुरा मंदिर के लिए और मुझे यकीन है कि आपको आज की एक्टिविटी हमारी ज़रूर अच्छी लगेगी। अली भाई, कैसे हो आप? ठीक हो? तो भाई, हमने अली भाई का रक्षा करवा लिया है जाने के लिए भीमपुरा शीतला माता मंदिर। तो भी हम लोग इस रक्षे में बैठ रहे हैं और ये अली भाई जो है ये बोरी कम्युनिटी से इनका ताल्लुक है और जो है ये नारायणपुरा के बिल्कुल करीब रहते हैं। तो अभी आपको भीमपुरा लेके जा रहे हैं अली भाई के रक्षे के अंदर। तो लेट्स गो अली भाई। भाई ये रोजे की हालत में है और लेकिन फिर भी मुझे छोड़ने के लिए मंदिर जा रहे हैं माता के, तो इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। और भाई ने जो है ना हमारे पड़ोसी होने के नाते जो है वो कम पैसे लिए हमसे। ये बोरी कम्युनिटी का इलाका है पूरा और अली भाई का भी ताल्लुक बोरी कम्युनिटी से, इसके साथ ही है नारायणपुरा और नारायणपुरा से तकरीबन 2 से 3 किलोमीटर की दूरी पे भीमपुरा मंदिर। तो हम लोग अभी जा रहे हैं भीमपुरा मंदिर, शीतला माता का जो मंदिर है भीमपुरा पे। आज अष्टमी है तो वो अष्टमी को कवर करने के लिए जा रहे हैं। तो मुझे यकीन है कि आज की आपको ये एक्टिविटी ज़रूर अच्छी लगेगी। कराची का ओल्डेस्ट एरिया है जिसको ओल्ड कराची के नाम से भी ये एरिया मशहूर है। और यहाँ आप देख रहे होंगे ज़्यादातर इमारतें पुराने ज़माने की है, क्योंकि ब्रिटिश दौर से भी या उससे भी पहले से ये एरिया जो है ना आबाद है। अब साथ ही एक चर्च भी आएगा, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये आप देखें सामने चर्च है, होली चर्च है, और इसी से थोड़ा सा आगे जो है वो माता का मंदिर है। बस हम लोग पहुँचने वाले कुछ ही देर के अंदर। तो दोस्तों, अभी हम लोग पहुंच चुके हैं भीमपुरा मंदिर के बिल्कुल करीब। ये भीमपुरा मंदिर है, लोग भी आ रहे हैं, भंडारा है यहाँ पर, उस हवाले से लोगों की भी आमद आमद है। और अली भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपको इस मंदिर में लाने के लिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं भाई जान। ये बोरी कम्युनिटी से और बड़ा आपने साउंड किया हमारे साथ, थैंक यू सो मच। तो गाइस, अभी हम लोग शीतला माता मंदिर पहुंच चुके हैं और हमारे साथ है आकाश भाई। आकाश भाई ने हमें रिसीव किया है, इस मंदिर के अंदर बुलाया है खास तौर पर आज के इस भंडारे के लिए। तो अभी चलते हैं अंदर और आपको आपकी आज की एक्टिविटी दिखाएंगे। इस मंदिर की जो भी एक्टिविटी होगी वो अंदर से कवर कर देंगे और आपको दिखाएंगे। चलें
एक बहुत ही प्राचीन मंदिर है शीतला माता का, ये जो कई सौ साल पुराना है। और आज अष्टमी के दिन खास यहाँ एक्टिविटी है, माता का भंडारा है, चैत्र नवरात्रि की अष्टमी है आज। तो अभी हम लोग चलते हैं अंदर और आपको दिखाते हैं। जय माता रानी। एक बहुत ही पुराना इलाका है, भीमपुरा का एरिया कहलाता है, ली मार्केट से करीब है। अच्छा आकाश, और भी ऐसे बहुत सारे एरियाज होंगे यहाँ पे जहाँ हिंदू कम्युनिटी आबाद होगी? हाँ, भी है और भी जगह है आप ये चलो। तो भाई आपको हमारे साथ रहना है और भी एक्टिविटियाँ दिखानी हमें यहाँ की, सही है महाराज? तो चले अंदर चलते हैं। ये भाई यहाँ प्यारे प्यारे फूल बेच रहे हैं, कितने का भाई ये? भाई ये 30 रुपये का एक। 30 रुपये का एक है भाई? ये 30 रुपये का हार यहाँ पे कराची के अंदर बहुत महंगाई हो गई है, तो 20 रुपये में मिलता था अभी। नहीं है, सस्ता दे रहा हूँ। वाह भाई, आता है ना। वैसे कितने का? वैसे 30 रुपये का एक है, ग्राहक आता है मैं उसको 50 का वो भी देता हूँ, मजबूर होता है उसको 20 का एक भी देता हूँ। जय हो जय। यानी कि माता जी के लिए आप यहाँ खड़े हो, और आपका नाम क्या है भाई? आबिद मुसलमान है देखें, लेकिन यहाँ खड़ा हुआ है मेरा भाई, हार बेच रहा है और बोल रहा है कि ये वैसे ये 30 रुपये की इसको कॉस्ट पड़ती है, लेकिन ये 20 रुपये में भी लोगों को देता कि यहाँ मंदिर में आते हैं लोग, डिवोटीज आते हैं, अगर किसी की गुंजाइश नहीं होती तो उनको आप 20 रुपये में भी देता है। शुक्रिया भाई, बहुत बहुत मेहरबानी, थैंक यू। ये बच्चे यहाँ पे चप्पल संभाल रहे हो? हाँ, चप्पल संभाल के पूजा कर रहे थे। बेटा मांगने में हम लोग कभी एक बात से बेटा, जो ही बोलता हम लोग कमाते, हम लोग नहीं कमाया, ये हमारा हाथ में। जय माता जी। जय माता जी बोलो। जय माता जी। जय माता जी। नमस्ते नमस्ते भाईजान। जय माता की नारा तो लगा। तो भाई लोग यहाँ रहते भी है। बेटा कौन सा चैनल है आपका? मेरा नाम चैनल है पाकिस्तानी हिंदू के नाम से। बोलो तो सही। जय माता की। ये महादेव का मंदिर है, आप देख सकते हैं इसकी एंट्री पे जो द्वारपाल भी है। अंदर चलते हैं।
महाराज जय माता की, जय माता की भाई। ये बहुत ही प्राचीन ये नीम का पेड़ है, उसके आपको दर्शन कराते हैं। शीतला माता के मंदिर के बिल्कुल ऊपर है, मुझे यकीन है ये हजारों साल पुराना पेड़ होगा। तो दोस्तों अभी मंदिर में आरती का समय शुरू हो चुका है, तो चलें आरती अटेंड करते हैं, फिर विजिट करेंगे दोबारा मंदिर। ओम स्वाहा।
चंदाय स्वाहा, प्रबोधाय स्वाहा, प्रबोधाय स्वाहा, ओम घाताय स्वाहा, ओम निवर्थाय स्वाहा, ओम संदीताय स्वाहा, ओम बलगते स्वाहा, ओम सीचते स्वाहा, ओम स्वपते स्वाहा, ओम जाग्रते स्वाहा, ओम जीते स्वाहा, ओम विद्रम्भणाय स्वाहा, ओम विचिताय स्वाहा, ओम संज्ञानाय स्वाहा, स्वाहा ओम प्रसादाय स्वाहा, ओम क्षेत्रपालाय नमः। आप लोग थोड़ा थोड़ा सा पीछे हो जाए, आरती होगी। Yeah.
श्री महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती देवता दुर्गा प्रीत्यतम दत्तचतुर्भुजा पाणिनियोगा ज्ञानिनाम अभिष्टेतांसि देवी भगवती सीताबलादा कृष्ण मोहाय महामाते दुर्गेश्वरता श्री
जवाब बता दी सारी प्रिय दुख में हार ली का तो धनिया करो का करना अनाद चित्ता सर्व मंगल मांगल्ये शिव सर्वाद साधिके शरण्य संपदे गौरी नारायण नमोस्तुते शरणागत दीनारत परित्राण प्रयाण सर्व ध्याति हरि देवी नारायण नमोस्तुते सर्वस्वरूप सर्वेश सर्वशक्ति की समकृते हये विस्त्राहीनो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते योगान शेषान सहसि पुत्रा पुत्रा सुकामान सकलान अभीष्टान बोलो श्री जगदम्बे की जय।
हाँ तो दोस्तों अभी हमारे साथ मौजूद है श्री शीतला माता मंदिर की सेवाधारियों की टीम और ये यहाँ के सेवाधारी है। आज देखें इनके माशाल्लाह से आज यूनिफॉर्म के अंदर है बिल्कुल प्रॉपर। वैसे मैं आता हूँ तो ये यूनिफॉर्म में नहीं होते, आज माशाल्लाह से फुल मेंटेन है क्योंकि माता का भंडारा है, सब कुछ ऑर्गेनाइज़ करने की जिम्मेदारी इनके ऊपर है और बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों ने भंडारे को ऑर्गेनाइज़ किया है। आप लोगों की सेवा बहुत ही ज़बरदस्त है तो माता रानी आपको इसका अजर दे। भाई अपना अपना इंट्रोडक्शन देना आप खुद ही, सबसे पहले आप अपने बारे में बताएं। हम माता सिक्योरिटी है यहाँ के सेवाधारी, जो हमारी सेवादारी हम लोग करते हैं इस माता के लिए करते हैं। माता भाईजान अपना नाम बता दो। मेरा नाम प्रकाश है, मैं शीतला माता की सेवादारी करता हूँ यहाँ पे, तो जो मेरे से जितना होता है मैं माता के लिए खुश कर देता हूँ। जय माता दी। भाईजान आप बोलो। मेरा नाम रवि महेश्वरी। ये रवि महेश्वरी भाई है और आप सर? जयेश कुमार हीरा परमार। जयेश कुमार हीरा परमार भाई है और आप सर? कृष्ण प्रेम जी चौहान। कृष्ण प्रेम जी चौहान और आप? आकाश श्याम जी महेश्वरी। आकाश श्याम जी महेश्वरी। तो दोस्तों आप देखें मैं मारवाड़ी हूँ, ये महेश्वरी है, ये मेघवंशी है और ये गुजराती भाई है हमारे। और देखें सारी कौमें जो है इधर इकट्ठा है, ये हमारी यूनिटी है आप लोगों के सामने। और आप लोग इसी तरीके से अगर हमें सपोर्ट करते रहें तो आने वाले वक्तों में भी हम अपनी यूनिटी ज़्यादा बेहतर तरीके से पेश कर पाएंगे। तो ये सब मंदिर के सेवादारी है भाई, एक दफ़ा फिर अपनी तरफ से आए लोग करते जय माता। और भाई हमारे ब्लॉग को ज़रूर सब्सक्राइब भी करना, लाइक भी करना और सेवादारियों के ऊपर भी कमेंट्स करके बताना। मेरा नाम विनोद भी चनाल है। विनोद भाई के चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और फॉलो भी करें। थैंक यू सो मच भाई, भाई ने रिक्वेस्ट कर दी हमारी तरफ से हमारे चैनल के लिए और मुझे यकीन है आप लोग इस दफ़ा ज़्यादा सपोर्ट करेंगे। थैंक यू। दोस्तों अभी हमारे साथ स्वामी जी मौजूद हैं, आप इनसे मिल चुके हैं। समीर भाई के ब्लॉग में भी अभी आपने देखा होगा कि जब ही चैतम नवरात्रि की स्टार्ट थी तो समीर भाई ने ब्लॉग छोड़ा था और उसमें जो है ना झूलेलाल मंदिर के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिली थी। तो आज हम लोग शीतला माता मंदिर में मौजूद है और हमारे साथ स्वामी जी है। तो स्वामी जी अपने बारे में बताएँ और आप कराची में किन किन मंदिरों को देखते हैं, इस हवाले से थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दें। वो स्वामी विजय कुमार गिर महारा नाम है मेरा, दरियालाल कस्टम हाउस मंदिर कस्टम हाउस के बराबर है, वहाँ का मैं पंडित हूँ। और ये मंदिर हमारे जो गादी नशीन चली आ रही है हमारी, उनमें से ये बाबा लाल जी साहब संभालते हैं और उन्होंने वो मंदिर खुलवा के दिया है। और वो इनके अलावा 22 मंदिरों के ऊपर मतलब उनको खुलवाने की कोशिश और उनके पीछे जिद्दोजहद में लगी। आज दुर्गा अष्टमी है, चैत्र मास की दुर्गा अष्टमी है, तमाम सनातन धर्म के भाई बहनों को चैत्र मास की दुर्गा अष्टमी की बधाई। और इस दुआ के साथ के हमारे देश में तमाम इंसान उनकी भलाई हो, तमाम इंसानों के अच्छाई हो, हमारा मुल्क तरक्की करे, जिस परेशानियों से उससे निकले और जो के हमारी न्यानियाँ हैं माता रानी उनकी रक्षा करें। यही हमारा पैगाम है, यही हमारा संदेश है कि हर धर्म के अंदर अच्छाई बयान की गई है, सनातन धर्म में भी अच्छाई बयान की गई है। और ये प्राचीन मंदिर श्री शीतला माता मंदिर जहाँ पे मैं खड़ा होकर आपसे बात कर रहा हूँ, जहाँ पे मेरी पैदाइश है और हमारी ये भूमि है, हमारे सबसे यही प्रार्थना है कि आप जिस देश में भी रहते हैं अपने देश के कल्याण के लिए, जिस तरीके से हम पाकिस्तान में रहते हैं पाकिस्तान के कल्याण के लिए दुआ करें, इस दुनिया के कल्याण के लिए दुआ करें, धरती के कल्याण के लिए दुआ करें, एक ह्यूमन यानी कि इंसानियत के लिए भी आप कल्याण करें, मानव कल्याण के लिए भी दुआ करें, सर्वे धर्मों के कल्याण के लिए, सर्वे मनुष्य के कल्याण के लिए भगवान जी धरती पर रहम करें, कृपा करें, आनंद बनाए रखे, शांति में। एक बहुत ही खूबसूरत मैसेज के साथ, एक बहुत ही खूबसूरत दुआ के साथ सर हम आपसे इजाज़त लेते हैं। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, आपने इस मंदिर की विशेषता के बारे में बताया। अच्छा एक सवाल और आपसे करना चाहूँगा सर, मैं आप ये बताएं कितना प्राचीन मंदिर है और कराची में ऐसे कितने मंदिर मौजूद हैं जो प्राचीन मंदिर है? ये श्री शीतला माता का मंदिर तो जो कराची की जब शुरुआत थी, जब
कोलाची से कराची हुआ उससे पहले का प्राचीन मंदिर है, कम से कम भी 100 साल बोलते, लेकिन ये तो कई हज़ारों मतलब कई 100 साल पुराना मंदिर है, लेकिन उसके बाद लोग उसको रेनोवेट करते आए हैं। और कराची में तो कई मंदिर थे, एवीक्यू ट्रस्ट की अपनी लिस्ट के मुताबिक 360 मंदिर थे, जो कि आजकल हमें प्राचीन मंदिरों में से 10 मंदिर भी नहीं मिलते, लेकिन भगवान का शुक्र है जो मंदिर मौजूद है वो कायम है और भरपूर तरीके से चल रहे हैं। और हमारे सनातन धर्म के जिसे हम हिंदू कहते हैं, तमाम अपने धर्मों में बहुत अच्छी तरीके से आपने देखा होगा, बहुत अच्छी तरीके से अपने पूजा पाठ यज्ञ बहुत ही शांतिपूर्वक किया। और एक बात मैं और बताना चाहूँ कि इस देश के हम पुराने वासी हैं, हमने नए वासियों को नए आने वालों बहन भाइयों को वेलकम किया है, वो भी हमारे भाई हैं, हमारे पुरखों की समाधियाँ यहाँ पर मौजूद हैं। जैसे आप देख रहे हैं कि ये हमारे पिता श्रीमान मुनि महाराज की समाधि है, इसी तरीके से हमारे बहुत सारी दूसरी भी समाधियाँ, 5 समाधियाँ पीछे भी है, बाहर भी बाबा लालगिर की समाधि है और कई समाधियाँ हैं। ये चीज़ का सबूत है कि हम यहाँ पे बहुत ही पुराने वासी हैं। और जब भी इस मुल्क का बंटवारा हुआ, हिंदुस्तान से पाकिस्तान बना, तो हमने इस धरती को ही दिया है, यही हमारी जन्मभूमि है और यही हमें प्यारी है। भगवान इसका कल्याण करे, पूरी दुनिया का कल्याण। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, और मेरी भी ओर से आप सबको अष्टमी की बहुत बहुत मुबारकबाद। महाराज के साथ मैं भी आपको एक दफ़ा फिर मुबारकबाद दे रहा हूँ, और आप ज़रूर बताइएगा आज की हमारी ये एक्टिविटी आपको कैसी लगी, सतना माता मंदिर भीमपुरा से, और जो कि मौजूद है ली मार्केट के एरिया के अंदर, ली मार्केट से बिल्कुल करीब है ये एरिया, और ये भीमपुरा कहलाता है, भीमपुरा। तो हम लोग आज इस मंदिर के अंदर मौजूद थे, इसको एक्सप्लोर किया, और आइंदा भी आपको जो है ली मार्केट के अंदर जितने मौजूद हैं मंदिर, पुराने प्राचीन मंदिर, वो भी दिखाएंगे और उनकी एक्टिविटीज़ भी आपको दिखाएंगे। तो अभी आपको आगे चलते हैं, और भी किसी से बात करेंगे, और भी दोस्तों से आपको मिलवाएंगे, कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के व्यूज ले सकें। थैंक यू सो मच। हेलो दोस्तों, अभी हमारे साथ एक बहुत ही ज़बरदस्त पर्सनैलिटी मौजूद है, जो कि सनातन धर्म को लेके बहुत ज़बरदस्त काम कर रही है, लता रवि यूट्यूब चैनल भाई का है, आपने सबने ये चैनल ज़रूर देखा होगा, जो कराची से पाकिस्तान से सनातन धर्म से रिलेटेड जो भी एक्टिविटी होती है भाई वहाँ मौजूद होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा कवर करने की कोशिश करते हैं। मेरे पास तो इतना टाइम होता नहीं है, लेकिन हमारे भाई जो है रवि भाई, वो कोई मौका मिस नहीं करते हैं, और ये तकरीबन हर व्लॉग जो है ना, हर एक्टिविटी का व्लॉग ज़रूर छोड़ते हैं। तो भाई आपसे मिलके बड़ा अच्छा लगा यहाँ पे। जय श्री राम, जय बजरंग बली, हर हर महादेव। हमारे साथ विनोद भाई मौजूद है, और ये भी सनातन धर्म की बढ़ाओ के लिए इन्होंने चैनल खोला हुआ पाकिस्तान हिंदू के नाम से। तो मेरे जितने भी हमारे जितने भी सब्सक्राइबर हैं जो देख रहे हैं विनोद भाई के चैनल को, तो फर्स्ट टाइम में उनको सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि आने वाली जो भी वीडियोज़ है आपको वो मिस ना कर सके आप। और हमारा जो चैनल है वो भाई ने बता दिया, लता रवि यूट्यूब चैनल, हम भी धार्मिक चैनल ही है, भाई का भी धार्मिक चैनल है, तो धर्म से जुड़े रहे और धर्म की जय जयकार, सनातन धर्म की जय जयकार। जय श्री राम, जय बजरंग बली, हर हर महादेव, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। भाई माता के मंदिर में ये प्यारे प्यारे माता के भगत है देखे हमारे साथ, और ये भी अपना अपना इंट्रोडक्शन देंगे। बताओ भाई अपने बारे में कुछ, क्या नाम है आपका? धीरज। धीरज, ये धीरज है। धीरज इतना आस्ते क्यों बोल रहे हो, थोड़ा जोर से बोलो ना यार। अरे बोलो तो सही, जोर से। धीरज। धीरज सुनाई दिया भाई आप लोगों को? हाँ मुझे तो आ गई। आप बताएं अपना नाम। सिमरन। सिमरन, ये आपका नाम? विनीहा। विनीहा, और आपका? अमृत। अमृत। मेरा नाम किंजल है। किंजल है भाई, बहुत प्यारे नाम है आप लोगों के, और बहुत प्यारे प्यारे किड्स माता के मंदिर में, सब माता के डिवोटीज है। और आप लोग रोज आते हो यहाँ पे या आज खाली भंडारे के लिए आए हो? खास तौर आरती में आते हो ना रोज? हाँ चलो भाई, बड़ा अच्छा लगा आप लोगों से मिलके, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है, मैं बता दूंगा। थैंक यू, जय माता की। प्यारी सी गुड़िया माता का श्रृंगार लेके जा रही है। क्या नाम है बेटा आपका? नेहा। नेहा, थैंक यू भाई। नमस्ते जेटू भाई। ए जेटू भाई नमस्ते, जय माता की। भाई ये नारायणपुरा में ही रहते हैं जेटू भाई हमारे, मंदिर के सेवाधारी है,
ये देखें यहाँ साफ सफाई का सारा इंतजाम इनके हाथ में, ये देखते हैं। माता रानी आपको इसका अजर दे और आप खुश रहे हमेशा, हमारी दुआएं आपके साथ। हाँ आया हूँ मैं आज, थैंक यू। ऊपर लेके जा रहा हूँ, बहुत सारे व्लॉगर्स ने वीडियो बनाई है यहाँ से, लेकिन कोई भी माता के मंदिर की गुंबद को नहीं शूट कर सका। और ये सौभाग्य मेरे को मिला है कि मैं माता के मंदिर की छत की गुंबद भी आप लोगों को आज इस वीडियो के माध्यम से दिखा रहा हूँ। मुझे यकीन है आप लोगों को ऊपर से भी इस मंदिर को देख के बड़ा अच्छा लग रहा होगा। और चलें ऊपर चलते हैं। ये आप देखें पूरा मचान बना हुआ है और ये बहुत ही प्राचीन मंदिर है। ये वही पीपल का पेड़ है जो मैंने आपको नीचे से दिखाया था, ये आप देख सकते हैं बहुत पुराना पीपल का पेड़ है। और ये शीतला माता के मंदिर की गुंबद है और ये पूरा एरिया अली मार्केट भीमपुरा कहलाता है। ये आप देखें,
उस मंदिर की प्राचीनता का अंदाज़ा आपके आपको इसके स्ट्रक्चर को देख के बाखूबी हो रहा होगा कि ये कितना पुराना मंदिर है। कई सौ साल पुराना मंदिर शीतला माता का जो कराची में मौजूद है। इसी के साथ मैं आप सबसे भी लेता हूँ इजाज़त। मुझे उम्मीद है कि आज का आपको ये व्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा, आपको यहाँ की एक्टिविटी बहुत अच्छी लगी होगी। कोशिश करूँगा कल यहाँ वाड़ी विसर्जन है तो दूसरा पार्ट भी आप लोगों के लिए शूट कर सकूँ। अगर ना कर सका तो उसके लिए सॉरी कहना चाहता हूँ इन एडवांस, लेकिन कोशिश करूँगा कल मैं आऊँ। वाड़ी विसर्जन की जो यहाँ पर विधि है वो भी आप लोगों के लिए ज़रूर शूट करूँ। और आज का व्लॉग आपको कैसा लगेगा कमेंट्स में बताइएगा, और लाइक एंड सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा प्लीज़, और भाई के चैनल को जल्दी मोनेटाइज करवाएं, इसके लिए मैं आपसे एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं। और मुझे उम्मीद है कि मेरे इस ब्लॉग के बाद आप लोग बाकी भी जो है ली मार्केट के एरिया के मंदिर एक्सप्लोर करना चाहेंगे, देखना चाहेंगे कराची से। तो थैंक यू सो मच दोस्तों हमारा साथ देने के लिए, इसी तरीके से हमारा साथ देते रहिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। ओके, थैंक यू, गुड बाय।